नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में सियासी उठापटक तेजी से देखने को मिल रही है। सीएम आवास पर हो रही है विधायक दल की बैठक, लगातार आपको जानकारी झारखंड की हर अपडेट की देते हैं। और ये भी हम आपको बता दें, फिलहाल वहां पर सियासी उठापटक बहुत तेजी से देखने को मिल रही है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और बैठक में महागठबंधन के विधायकों को भी बुलाया गया है। लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लगातार दूसरे दिन विधायक दल की बैठक बुलवाई है और इस बैठक में महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाया गया है। बैठक शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पट्टे के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद से हटाने को लेकर बात चल रही है, आयोग ठहराने को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। आपको हेमंत सोरेन का ट्वीट बता देते हैं। उन्होंने कहा, ये आदिवासी का बेटा है, ये ट्वीट हेमंत सोरेन ने किया है। उन्होंने कहा है, इनकी चाल से हमारा ना कभी रास्ता रुका है। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि ना हम लोग कभी इन लोगों से डरने वाले हैं। हेमंत सोरेन सीएम है झारखंड के और ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से डर भय को निकाल दिया है, ट्वीट करके उन्होंने ये बात कही है। हम आदिवासियों के डीएनए में डर और भय के लिए कोई जगह ही नहीं है। और इसी खबर पर संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राकेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी आपसे कि क्या अभी का माहौल झारखंड में देखने को मिल रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है झारखंड में, क्या कुछ हो सकता है, कब फैसला सामने आएगा? और फिलहाल अगर बात करें कि किस तरह की बातचीत लोग करते नजर आ रहे हैं और सियासी गलियारों में किस तरह की बातचीत हो रही है? देखिए आकांक्षी, जिस तरीके से यहाँ पे माहौल गर्म है और खास करके राजनीतिक हलचल के बीच से फिर से एक बार यूपीए की बैठक सीएम हाउस में बुलाई गई है और हो सकता है कि थोड़ी देर में अगर बैठक खत्म होगी उसके बाद से पता चल पाएगा कि आखिर सरकार और सत्ताधारी दल की रणनीति क्या होगी। क्योंकि जिस तरीके से राजभवन से जो सूचनाएँ छनकर बाहर आई थी उसमें ये साफ होता नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री की सीट तो कहीं ना कहीं खाली करनी होगी हेमंत सोरेन को, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों के बीच से सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके की रणनीति बनेगी और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। जो कुछ अब तक राजभवन के सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यह बात साफ हो गया है कि उनको डीबार नहीं किया जा रहा है, यानी कि उनको 3 साल से अधिक अगर कहीं उनके सदस्यता चली जाती तो शायद वे इस बार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो एक रणनीति के तहत काम की जा रही है कि क्या दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन सकते हैं, सीधे तौर पर अगर इस्तीफा देंगे उसके बाद से बहुमत सिद्ध करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है ना, या फिर अगले बात यह है कि जिस तरह से ये सरकार बनी है, लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे अहम जो जानकारी है कि राजभवन की तरफ से अब चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी गई है। चुनाव आयोग अब अपनी रिपोर्ट को राज्य के चुनाव आयोग को भेजेगा और उसके बाद से वहां से वो जो आदेश होगा उसको विधानसभा में भेजा जाएगा और साथ साथ मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी सबसे ज्यादा अहम बात यही कही जा रही है कि आने वाले समय में राज्य के जो हालात हैं, जिस तरीके से हेमंत सोरेन अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके बाद से क्या कुछ समीकरण बनेंगे, किस तरीके का माहौल होगा, ये सारी चीजें टिकी हुई हैं कि अब चुनाव आयोग से कितनी जल्दी अब ये फैसला सामने आ पाता है और रिपोर्ट पूरी तरह से यहाँ पहुंच पाती है। जी बिल्कुल, बंद लिफाफे में क्या है, वो फैसला जब सामने आएगा तो उसके बाद जो भी रुख पार्टी अपनाएगी उसी के लिए बैठकों का लगातार दौर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन की क्योंकि सरकार है यहाँ पर, तो इसलिए गठबंधन के जो और सहयोगी जो है उनको भी लगातार बैठकों में बुलाया जा रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन को जब चुना गया होगा तो जो गठबंधन के और साथी हैं उन्होंने सहमति जरूर दर्ज करवाई होगी, तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है तो उनका विकल्प कौन हो सकता है जो बाकी गठबंधन के जो सहयोगी हैं जेएमएम के साथ उनको भी पसंद आए, उस चेहरे को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा होगा। राकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो लगता है तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से सियासी उठापटक झारखंड में देखने को मिल रही है और बैठकों का दौर भी यहां पर लगातार जारी है,
और इसी बीच हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी का बेटा है, इनकी चाल से हमारा ना कभी रास्ता रुका है, ना हम लोग कभी इन लोगों से डरे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से डर और भय को निकाल दिया है। हम आदिवासियों के डीएनए में डर और भय के लिए कोई जगह नहीं है। ये ट्वीट सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। जिस तरह से सियासी उठापटक अभी का जो माहौल है, जो झारखंड में बना हुआ है, उसी बीच इस तरह का ट्वीट सीएम के द्वारा किया गया है। चले आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा है और बुलंदशहर में 3 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। सीएम योगी 1:30 बजे बुलंदशहर पुलिस लाइन पहुंचेंगे और पुलिस लाइन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर बैठक लेते नजर आएंगे सीएम। जनप्रतिनिधियों को यहां पर बुलाया गया है बैठक में, पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और ये बैठक बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि कामों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे, किस तरह से कामकाज किए जा रहे हैं जनपद में इसको लेकर जानकारी लेंगे। प्रतिनिधि तमाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसमें शामिल होंगे और पार्टी पदाधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के तमाम जिलों के दौरे पर हैं। कल हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर पहुंचे हुए थे और गाजियाबाद भी पहुंचे हुए थे और आज का दौरा आपको बता रहे हैं बुलंदशहर का सीएम योगी आदित्यनाथ का, और यहां पर वो जनप्रतिनिधियों के साथ और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे, कई मुद्दों पर चर्चा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत खास रहने वाली है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार पदाधिकारियों से, तमाम अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से काम वो अपने अपने जिलों में किए जा कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को मदद मुहैया कराई जा रही है इसको लेकर जानकारी ले रहे हैं और तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल लगातार दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, तमाम जनपदों में जा रहे हैं। कल भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की। संवाददाता वरुण शर्मा हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आज सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के दौरे पर हैं, कितनी देर तक का ये दौरा, मतलब कब तक वहां पर सीएम रहेंगे और क्या क्या कार्यक्रम जो है खास तौर से सीएम के लिए किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में सीएम योगी 1:30 बजे बुलंदशहर पुलिस लाइन में आएंगे और वहां पर 10 मिनट बाद ही पुलिस लाइन के जो गेस्ट हाउस है वहां पर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी एक बैठक होनी है। बैठक के तुरंत बाद जो बुलंदशहर का ये जिला अस्पताल, महिला अस्पताल है, आप तस्वीरों में देख सकती हैं, यहाँ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ का अस्पताल का दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद यहाँ बाबू बनारसीदास जो ये महिला अस्पताल है इसका दौरा करने के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह, उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में बनना है, वहाँ का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद बुलंदशहर के निकुंज हॉल में एक मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि और जो लाभार्थी है सरकार की जो योजना है जिसको उसका लाभ दिया गया है उसका प्रमाण पत्र वहां देंगे और उनके साथ वहां चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और वरुण जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां जहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है वहां पर तमाम इंतजाम एकदम चाक चौबंद कर दिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कहीं पे भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है अधिकारी वहां पर इस तरह के इंतजाम कर देते हैं कि सीएम को लगे सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जब सीएम वहां से चले जाते हैं तो वही हाल पुराने जैसे हो जाते हैं, वही स्थिति यहां पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल साफ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलंदशहर आएंगे और बुलंदशहर में 3 महीने उन्हें रोजी उन्हें दौरा करना है, एक बैठक करनी है, लाभार्थियों को लाभ देना है। तो आप ये महिला जो अस्पताल है इसकी भी आप तस्वीर देख सकते हैं, मैं आपको कैमरा मैन कहूंगा, ये जो महिला अस्पताल है यहाँ पर जो रोगी है उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ का निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण के बाद जो भी अगर कमी मिलती है तो वो उन पर दिशा निर्देश देंगे, कार्रवाई करेंगे। मगर जो जब मुख्यमंत्री या कोई भी प्रदेश का मंत्री आता है तो खामियां पहले ही पूरी कर ली जाती हैं और यहाँ पर जो आकर देखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक मिलता है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और एक बाबू बनारसीदास जो महिला अस्पताल है महिला इसमें निरीक्षण करेंगे, तो वहीं पूर्व कल्याण सिंह जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री रहे हैं उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज बना है उसका भी निरीक्षण करने जा रहे हैं क्योंकि वो अभी निर्माणाधीन है, वहाँ पर तेजी से काम चल रहा है। बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कड़े निर्देश भी दे सकते हैं अगर कमियां कोई पाई गई और कार्रवाई भी हो सकती है अगर कहीं पर भी लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली अगर सीएम को। तो
जी बिल्कुल साफ है, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात करें तो भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाया गया है, चप्पे चप्पल पर पुलिस तैनात की गई है। जो अस्पताल है यहाँ पर एसपी एएसपी मैडम को तैनात किया गया है, भारी पुलिस बल जो यहाँ पर जो भी आने जाने वाला है उसको बाकायदा चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी कमी मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सारी शासन द्वारा की जाएगी। बिल्कुल वरुण, और सुरक्षा के मद्देनजर भी देख पा रहे हैं हम कि काफी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि सीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। बिल्कुल साफ है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आस पास के जिले की जो फोर्स है वो यहाँ लगाई गई है, कई एडिशनल एस पी, कई डीओ और पीएससी भी अलग अलग जगह तैनात की गई है। और ये जो दौरा है वो थोड़ी दूर दूर दौरा है तो बाकायदा हर जगह पुलिस को तैनात किया गया है जी। और एक बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज जो होने वाली है पदाधिकारियों के साथ, तो उस बैठक के लिए पदाधिकारी अपने आप को तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कास्ट कह सकते हैं कि उनकी ये आदत में शुमार है कि जब भी कहीं बैठक होती है तो अधिकारियों के, पदाधिकारियों के, जिनके साथ भी बैठक होती है, उनके हाथ पर फूलने लगते हैं क्योंकि सीएम उनसे रिपोर्ट कार्ड ले लेते हैं उनके कामकाज का। बिल्कुल साफ है, क्योंकि बुलंदशहर के साथ विधायक के सांसद हैं और साथ ही जो जनप्रतिनिधि के साथ साथ जिलाध्यक्ष और जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक होनी है, जो सरकार की योजना है किस तरीके से जनता तक उनको लाभ दिया गया है, क्या खामी कहीं खामी का तो नहीं है, इसको लेकर बैठक होगी। और काफी जो अधिकारी उनके हाथ पैर फूले हुए हैं, जब तक अगर मुख्यमंत्री की एक बैठक ना हो जाती जब तक वो हाथ पैर फूले हुए हैं। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे गाजियाबाद से, अगली खबर है गंगाजल गेस्ट हाउस प्रताप बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर उन्होंने चर्चा की और सभी कार्यक्रमों में जनरल बी के सिंह उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कई सारे कार्यक्रमों में पहुंचे हुए थे और इन सभी कार्यक्रमों के दौरान जनरल बी के सिंह उनके साथ मौजूद रहे। गंगा जल गेस्ट हाउस प्रताप बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, विकास कार्यों को लेकर चर्चा यहां पर की गई, तमाम जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे और सभी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की और तमाम निर्देश सीएम ने दिए किस तरह से काम करना है, किस तरह से लोगों को लाभ मिल सकता है, योजनाओं के बारे में जानकारी ली, धरातल पर किस तरह से काम किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी ली। और खास बात यह रही कि इस पूरे संवाद के दौरान और जितने भी कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद में रहे हैं, सभी कार्यक्रमों के दौरान जनरल बी के सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम पदाधिकारी, तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं कार्यक्रम में और सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की गई है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी से संवाद किया और सभी से उनके स्तर पर किस तरह से काम जनता के लिए किया जा रहा है उसको लेकर जानकारी सीएम ने ली है। आपको बता दें कि सभी कार्यक्रमों के दौरान जनरल वी के सिंह साथ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ और सामने सीएम योगी आदित्यनाथ और जनरल वी के सिंह बातचीत चर्चा करते हुए पदाधिकारियों से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें गंगाजल गेस्ट हाउस प्रताप बिहार में ये बैठक का आयोजन किया गया था जहां पर तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। लखनऊ में खाली प्लॉट में 3 मीटर लंबा अजगर मिला है, जिसके बाद इलाके में पूरे में हड़कंप मच गया है, लोगों के मन में डर का माहौल जो है व्याप्त हो गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और वन विभाग टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि गौतमपल्ली के जीमाऊ न्यू कॉलोनी के पास ये अजगर मिला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये अजगर, जिसको देखकर आसपास के लोगों के मन में डर का माहौल व्याप्त हो गया। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई और इसके बाद वन विभाग को भी जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया है। लखनऊ का ये पूरा मामला है गौतमपल्ली का, जहां पर ये अजगर मिलने से लोगों के मन में डर का माहौल बन गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये अजगर, और अजगर मिलने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। लखनऊ की तस्वीरें। आगे बढ़ेंगे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है उसको तस्वीर उसकी सामने आई है। तस्वीर राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने तस्वीर को साझा किया है और आपको बता दें कि ये तस्वीर जो है निर्माण कार्य की है,
बता दें कि राम मंदिर कार्य क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है, गर्भगृह का कार्य लगातार बहुत तेजी से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही गर्भगृह का काम पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या से ये भव्य तस्वीर देखने को मिली है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये तस्वीर शेयर की है। तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है अयोध्या में और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ये तस्वीर शेयर की गई है, ट्रस्ट ने तस्वीर शेयर की है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा ये शेयर की गई है तस्वीर। आगे बढ़ेंगे कन्नौज से, अगली खबर है ऑटो चालक पर रोडवेज चालक का हमला देखने को मिला है। बेल्ट से ऑटो चालक की जमकर पिटाई की गई है और रोडवेज चालक ने साथियों के साथ मिलकर ऑटो चालक को पीटा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हमला किया गया है, चप्पलों से पीटा जा रहा है। पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाड़ी हटाने के विवाद में हमलावर रोडवेज का ड्राइवर हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सरायमीरा स्थित रोडवेज बस स्टैंड की तस्वीरें हैं जहां पर मारपीट का जो पूरा वीडियो है वो किसी ने रिकॉर्ड किया और अब सोशल मीडिया पर वीडियो अब वायरल हो रहा है। कन्नौज की तस्वीरें हैं, ऑटो चालक को रोडवेज चालक ने जमकर पीटा है। काफी भीड़ इस दौरान इकट्ठी हुई, लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पीटता हुआ ये बस का ड्राइवर नजर आ रहा है, ऑटो चालक को पीट रहा है। मामूली सा विवाद था जिसके बाद मारपीट तक ये पूरा मामला पहुंच गया। कन्नौज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सरायमीरा स्थित रोडवेज बस स्टेशन का ये पूरा मामला है। इस दौरान जब मारपीट होने लगी तो कई सारे लोग यहां पर इकट्ठे हुए, लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास भी किया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग बीच बचाव करके इस मारपीट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बस का ड्राइवर मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऑटो ड्राइवर को बस के ड्राइवर ने पीटा। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित ट्रक पुलिस चौकी में घुस गया है जाकर, जिसके बाद पुलिस चौकी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया है, घटना बीती रात की बताई जा रही है जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है और पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के सनई चौराहे का है। आपको बता दें कि ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में घुस गया, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। हादसे में पुलिस चौकी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी जनहानि की जानकारी इस हादसे में अभी नहीं मिल रही है। सिद्धार्थनगर का ये पूरा मामला है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस चौकी क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि हादसा कितना ज्यादा भयानक था। अगर यहां पर लोग मौजूद होते तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, जनहानि भी इसमें हो सकती थी, लेकिन आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं। पुलिस चौकी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, सिद्धार्थनगर की खबर है। ट्रक अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में घुस गया। और अब ग्रेटर नोएडा से खबर है, ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात अज्ञात चोरों ने घर को अपना निशाना एक बनाया है और यहां पर चोरों ने चोरी की है, जिसके बाद घर में घुसकर करीब 25 तोले सोने चांदी के जेवरात और इसके अलावा 25,000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। बता दें कि जिस समय चोरी हुई उस समय परिवार के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, सुबह उठने पर चोरी की घटना की जानकारी लगी और इसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 25 तोले के सोने पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है, इसके अलावा नकदी को भी चोर लेके फरार हो गए हैं। पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि घर में मौजूद लोग सो रहे थे और इसी दौरान चोरों ने फायदा उठाया, घर में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। सुबह जब घर वालों को चोरी की घटना की जानकारी हुई तो पूरी जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस लगातार
हर बिंदु पर जांच कर रही है। मामला भी दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात चोरों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरा सामान कमरे में बिखरा हुआ पड़ा था। सुबह जब घर के लोग उठे और इस तरह से स्थिति देखने को मिली तो चोरी की जानकारी हुई। देखने वाले की भीड़ जैसे चिल्लाई रोई तो एकदम भीड़ होगी, बहुत ज्यादा भीड़ होगी आजकल तो सब कहने भाई किधर से आए इधर से आए। तो एक दो गेट थे अंदर से, एक गेट तो बंद था और जो इस बेडरूम वाला था वो खुला हुआ था। आज तो 21-22 तोड़े तो बहन का था ये और घरवाली का था, पतंग सेम पे चुपकी जो भी था उसका, और उसके 42,000 रुपये उन्होंने चुप धर रखे थे लड़की के अपने बिटिया के लिए, अभी वक्त पर काम आ जाएंगे मेरे। तो वो जब चिल्लाई जब देखा थे ना वो भी पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा दी है। ग्रामीणों ने हाथ और पैर को बांधा है चोर के और इसके बाद उसको जमकर पीटा है, पेड़ पर बांधा है और पिटाई का जो पूरा वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चोर को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। जौनपुर का ये पूरा मामला है, करीब 10 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के बेलजा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर का तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चोर को पेड़ से बांधा और फिर उसकी पिटाई की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।